नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंचकुला में बीजेपी हरियाणा के मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई और इसमें स्वयं नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मौजूदा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया के विषयों पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें सोशल मीडिया और मीडिया के कई कार्यकर्ता इसमें पहुंचे थे जिन्हें सीएम ने संबोधित किया। चुनावी लिहाज से भी ये कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मीडिया सोशल मीडिया को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित भी किया। मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला में शामिल हुए सीएम और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई थी। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इसके साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला में वे शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है क्योंकि चुनावों में मीडिया सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है और इसी को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि कई कार्यकर्ता मीडिया समूह से इस कार्यक्रम में जुड़े थे जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी को संबोधित किया और इसके साथ ही आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है। तो सोशल मीडिया के विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई जहां पंचकुला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पंचकुला में बीजेपी हरियाणा के मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मौजूदा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया के विषयों पर चर्चा की गई। तो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ये चर्चा हुई है। आपको बता दें कि पंचकुला में बीजेपी हरियाणा के मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और मौजूदा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया के विषय पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और इसके साथ ही मीडिया के कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। तो पंचकुला में बीजेपी हरियाणा के मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और मौजूदा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया के विषयों पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इस कार्यशाला में चर्चा हुई है। भारी संख्या में लोग यहां पर जुटे थे। मीडिया सोशल मीडिया के विषयों पर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से इसका उपयोग किया जाए और तमाम विषयों पर इस कार्यशाला में चर्चा हुई है जहां भारी संख्या में मीडिया कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और सीएम नायब सिंह सैनी ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यशाला में शिरकत की। तो आपको बताते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला पर शामिल हुए जहां सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई थी। कई मीडिया कार्यकर्ता भी इसमें पहुंचे थे और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है।
मीडिया सोशल मीडिया के विषयों पर भी चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई थी। सोशल मीडिया विभाग में कार्यशाला आयोजित की गई और सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। तो आगामी चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कई चर्चा हुई। पंचकुला में सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है और इसके साथ ही कई मीडिया कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मीडिया सोशल मीडिया के विषयों पर भी चर्चा हुई है। मीडिया के विषयों पर भी चर्चा हुई और आपको बता दें कि सोशल मीडिया के विषयों पर चर्चा कर सीएम नायब सिंह सैनी ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था जहां पर आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। खासतौर पर मीडिया सोशल मीडिया पर चर्चा भी हुई और इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो मीडिया सोशल मीडिया के विषयों पर चर्चा हुई और मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला में सीएम ने शिरकत की। तो बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ये चर्चा हुई है और मीडिया सोशल मीडिया को लेकर चर्चा हुई।